जय श्री राम, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम लला भगवान की जय। चारों भयन की जय। चारों महारानी जू की जय। श्री सरयू माता की जय। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में 500 वर्षों के पश्चात में ऐसा वातावरण आज बना है कि पूरी दुनिया मुग्ध है। सभी राम भक्तों का तो कहने क्या, ये हमारे प्रभु हैं जो लगभग 20-25 वर्षों से कृपा करके अपने शरण में रखे हैं। और इसी प्रकार से समस्त देवी देवताओं की कृपा हम सभी के जीवन में बनी रहे और है। और एक एक स्वरूप प्रभु का अद्भुत है। और यहाँ पर जो है श्री राम लला जी के रूप में विराजमान हैं। बड़े ही मुग्ध हैं और बहुत ही व्यस्त हैं। किधर गए भैया, ये यहाँ विराजमान है। हाँ, बिल्कुल थक गए हैं। लोगों का आभार ग्रहण करते करते, जयकारा ग्रहण करते करते। और हमारे पिताजी माताजी द्वारा पूजित हैं, इधर घर के सब देवी देवता विराजमान हैं। और ये छोटा सा मंदिर जो ऐसे ही क्रिएट हो गया था, आवश्यकता थी। और ये झाड़ेश्वर नाथ बाबा जी का पावन प्रांगण का स्वरूप जो इस बार प्रदत्त हुआ था, ये गोलक है जो बिटिया रानी वाराणसी से लेकर आई थी बड़े ही प्रसन्नता से। तो 500 वर्षों के पश्चात में ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये परम भाग्यशाली हम लोग हैं जिसको प्रभु ने चयन किया ऐसे अवसर का साक्षी बनने के लिए। फिर भी हमें वो गौरवान्वित उतना महसूस नहीं होता जो होना चाहिए सभी भक्तों को। अद्भुत है। और ये बासंतिक नवरात्रि जो है भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो ये संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। जो भी यज्ञ पूजा पाठ और नवा पारायण इत्यादि होता है, सब आज समापन होता है हवन इत्यादि हो करके। और जो है आगे इस समय तो भंडारा अयोध्या जी में और जहाँ जहाँ भी राम जी के भक्त हैं जन्मोत्सव के पश्चात में विशेष रूप से आनंदनीय रूप में हो रहा होगा। तो प्रभु जी के साथ में मैया रानी की कृपा बनी रहे। हम सभी लोग अपने अपने कार्यों में, अपने अपने दायित्वों में उत्तम उत्तम स्थान प्राप्त करें, प्रभु से ही प्रार्थना है। माता रानी की अहित की कृपा है जो अपने चरणों में, और माता जी की ही कृपा से जो है पिताजी के चरणों में अनुरक्ति होती है। और यहाँ बहुत ही बाल रूप में, बहुत अलग स्वरूप में, लेकिन अत्यंत कह सकते हैं मंगल रूप में हमारे प्रभु श्री राम लला जी विराजमान हैं। इनके चरणों में प्रणाम करते हुए पुनः आप सभी लोगों को श्री राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा बनी रहे, सब लोगों के जीवन में भक्ति रहे और भक्ति व्यवहारिक रूप में हो, ताकि जो है आप सत्कर्म कर पाएँ। ऐसा नहीं कि मन चंगा लोग कहते थे, आज भी कहते हैं और अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं, पर मन चंगा जो है रविदास जी का था, हमारा आपका नहीं है। तो हम सभी का मन वास्तव में चंगा कम ज़्यादा रहे जो भी रहे, लेकिन भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। हम लोग जुड़े रहें, सत्कर्म करते रहें। जय श्री राम। और आप सभी लोगों को जगत के स्वामी हमारे सर्वस्व प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।